बताइएगा खतरनाक हो कैसे महसूस कर रहे हैं आज? का भी मुल्तान का इंशाल्लाह अच्छा होगा, कल तो बड़ा जबरदस्त हुआ, मतलब आज तो बड़े मुतमिन लग रहे हैं आज। और एक और स्टेटमेंट आज जो खान साहब ने कोर्ट आमद के ऊपर दी कि मुझे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कुलभूषण यादव आ रहा है। देखें अवैस, ये बात तो दुरुस्त है। इसकी वजह मैं खुद आई विटनेस हूँ, मैंने कुछ इवेंट्स इस्लामाबाद हाईकोर्ट में यहाँ पर देखे, पूरे इस्लामाबाद हाईकोर्ट को खारदार तारे लगाकर। जहां से मैं वापस आपके पास आता हूं, अपने नाज़िम को एक मरतबा फिर अपडेट करें कि न्यू न्यूज़ के रिपोर्टर शिराज अहमद शिराजी ने जब इमरान खान से यह सवाल किया कि क्या आपके मुख्तदर हलकों से मामलात तय पा गए हैं, जिसके ऊपर इमरान खान ने बजाय इसके कि डायरेक्टली इस क्वेश्चन को एड्रेस करते, उन्होंने कहा कि मैं बहुत खतरनाक हूँ। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि इमरान खान साहब से जब ये पूछा गया कि क्या आप गैर मशरूत माफ़ी मांगने को तैयार हैं, जिसके ऊपर उन्होंने सहाफ़ी मुतीउल्लाह जान का जिक्र किया, और उसके अलावा इमरान खान ने यह भी कहा कि मैं बहुत ख़तरनाक हूँ, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देखकर लगा कि इस वक्त यहाँ पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मेरी नहीं बल्कि कुलभूषण यादव की पेशी है, मैं बहुत ख़तरनाक हूँ, इस जुमले को कैटेगोरिकली इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से, जिसके ऊपर जहाँ से अब्बासी का ये तज़िया था कि इमरान खान मज़ाहमत की पॉलिसी के ज़रिए बेसिकली मुफाहमत करना चाहते हैं, और अब देखना यह है कि उनकी ये जो पॉलिसी है, उनका ये जो बयानिया है, वो किस हद तक कामयाब होता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से जजेस और ब्यूरो को धमकी आमेज जबान इस्तेमाल करने पर नोटिस दिया गया था खान साहब को, जिस पर पहला जवाब 31 अगस्त को जमा करवाया गया, दूसरे जवाब के लिए एक हफ्ता दिया गया। पहले जवाब के अंदर खान साहब ने कोर्ट के दायरे इख्तियार को चैलेंज किया, दूसरे जवाब के अंदर उन्होंने कहा कि अगर मेरे जवाब से खातून जज की दिल आजारी हुई है तो उन्हें इजहार नदामत करने में कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने इस पूरे जवाब के अंदर कहीं भी माफी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। आज